क्या हो रहा बापे देखो, और गाड़ी तोड़ दी किसी ने यार। क्या हो गया, क्या हो गया ये, आज बिना बात का नुकसान है गाइस। इनफैक्ट वो भी व्लॉग में ही देखेंगे। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज कुछ ज्यादा ही ठंड है, और तुम सोच रहे हो मैं छत पे क्या कर रहा हूँ। आज मेरी साइट विजिट है गाइस, साइट विजिट, मुझे बाहर जाना है। और बाहर जाने से पहले मैंने सोचा थोड़ा कंफर्म कर लूँ बाहर ठंडी कितनी हो रही है, और बाहर आते ही क्या देख रहा हूँ मैं। और तुम्हारे को टाइम बता दूँ, अभी 9 बज चुके हैं, सुबह नहीं रही है, ऑलमोस्ट दोपहर होने वाली है। और यहाँ मौसम देखो, धुंध ही धुंध चारों तरफ, कोहरा, वो सामने लेक है। और मुझे तो लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, अब ये मे भी ठंड की वजह से भी हो सकता है। पर चलो एनीवेज, अब निकलना तो है ही है, तैयार हो चुका हूँ, अब मिलते हैं साइट पे। और हाँ, आज मैं तुम्हारे को कराऊंगा साइट टूर, जहाँ मैं जा रहा हूँ। बेसिकली आज मेरे साइट विजिट है, मुझे वहाँ इंस्पेक्शन के लिए जाना है। तो देखते हैं कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो चलो मिलते हैं। ओ हेलो, चल मैं जा रहा हूँ, जल्दी आ, नीचे आ जा जल्दी। वहाँ क्या कर रहा है, चला मेरे साथ साइट पे, चल इसे भी अपने साथ साइट पे ले जाऊँगा अभी। चला आ जा जल्दी आ, मैं जा रहा फिर। ओके बाय, मैं जा रहा हूँ। ओके ओके, अभी देखना उड़ते हुए आएगा। अभी इसकी हरकत देखो, ये देखो क्या हो रहा बापे देखो। बेटो क्या हो, बहुत बहुत बिगड़ गया बापे तू, बहुत बिगड़ गया। चल अबे हट जा यहाँ पे, अब तक पहुँच लिया है, ले ले अब कर, अब करके दिखा, हिम्मत है, हिम्मत है तो अब कर। क्या कर रहा है, वो फंस गया, इसके पंजे फंस गए। चल अब यहाँ निकल, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, चल भाग। चलो अब टाइम हो चुका है निकलने का, निकलते हैं। ओके बाय मम्मी, बाय मम्मी, बाय अंकी रोनी, ओके बाय। चलो हम भी पहुँच गए अपनी साइड पे, अब जाके थोड़ा चेक करते हैं क्या चल रहा है। चलो मैं आपको साइट भी दिखा देता हूँ कि साइट पे काम कैसे चल रहा है, कैसे चलता है। ये देखो, एंड ये जो प्रोसेस चल रहा है अभी, इसे लाइनिंग बोलते हैं। इतनी लंबी पाइप है, इसकी लाइनिंग चल रही है अभी। और फिर इसके बाद 2-3 प्रोसेस और होता है, कोटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर इसे ले कर दिया जाता है जहाँ इसका काम है, वहाँ फिट कर देंगे एक्सक्वेट करके। अब ये पाइप कोटिंग के लिए तैयार हो चुकी है, और ये जा रही है साइट पे जहाँ कोटिंग होगी। ये अभी ना कोटिंग चल रही है, क्योरिंग का प्रोसेस देखेंगे हम सारे। चलो हमारी विजिट खत्म, अब हम निकल रहे हैं, टाटा बाय बाय। क्या यार, नुकसान कर दिया किसी ने, पता नहीं 2 सेकंड के लिए गया था और गाड़ी तोड़ दी किसी ने यार। मुझे तो लग रहा है कोई बाइक वाइक वाला इसके साथ आके बच गया और भाग गया। मेरा पूरा मिरर टूट गया, ये देखो पूरे मिरर की माँ बहन होगी। यहाँ भी चिब्बी कर दी, यहाँ पे भी आगे बजा छत से, नुकसान हो गया। अब ला यार, अब यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा। चलो क्या कर सकते हैं, अब बिना बात का नुकसान यार, फ्री फंड का नुकसान है गाइस, इसे बोलते हैं खराब किस्मत। अभी 2 सेकंड के लिए गाड़ी खड़ा के गया शॉप से कुछ सामान लेने, जैसे आता हूँ क्या देखा कि गाड़ी का राइट साइड का मिरर ठोक दिया किसी ने, वो बम्पर पे लग गई। मतलब कोई ऐसे सड़क पे चल रहा होगा, और धुंध तो है ही है, और धड़ देके बजा इस पे बीच में, मैंने देखा भी नहीं। अगर देखता तो साले को पकड़ भी लेता कि क्या है यार, आंखें बंद करके चला रहे हो क्या। अब ये भी नहीं पता ना कि लगा किस चीज से, क्या पता कोई
जानवर अगर इन्हें टकराओ, पर यार सड़क पे कौन सा जानवर, अब कुछ भी है यार, जानवर लगाओ चाहे इंसान लगाओ चाहे कोई व्हीकल ही टकराओ इसके साथ, मेरा तो नुकसान हो गया ना। अब सबसे पहले मुझे गाड़ी को वर्कशॉप ले जाना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा अब ये तो वर्कशॉप वाले ही बताएंगे। कमाल होगी यार, बिना बात का टाइम वेस्ट हो गया मेरा, पूरा दिन लगेगा मेरे हिसाब से तो। अब क्या हो गया ये आज बिना बात का नुकसान है गाइस, ये तो बिना बात का नुकसान हो गया। चलो गोली मारो यार, जो होना है वो तो होना ही है, क्या कर सकते हैं अब। अभी हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, वर्कशॉप जाएंगे, गाड़ी को दिखाऊंगा, कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा वो तो अब वही बताएंगे, मिरर वगैरह चेंज कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। चलो वर्कशॉप चलते हैं यार, गाड़ी को वर्कशॉप छोड़ने, कौन आ रहा है, गाड़ी को वर्कशॉप छोड़ने से पहले मुझे तो लगी भूख, खाना खा लेते हैं, टेंशन में भूख ज्यादा लगी। और सबसे ज्यादा डर तो ये लग रहा है मेरे को कि घर जाके मम्मी पापा मेरी क्या हालत करेंगे, बिना बात की गालियां पड़ेंगे अब घर जाके, कहाँ हमारी गाड़ी, किसने ठोक दिया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो बेटर रहेगा गालियां सुनने से पहले मैं खाना खा लेता हूँ, फिर जाऊँगा वर्कशॉप में, और गाड़ी तो वहीं देनी पड़ेगी 2-3 दिन के लिए ना, उससे पहले वो देंगे ही नहीं। मेरी फ़ोन कॉल पर बात तो हो चुकी है वर्कशॉप वालों से, कह रहे सर 2-4 दिन के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी आपको, और फिर मैं अंकित रोनी में से किसी को बुला लूँगा, या फिर ज़्यादा ही होएगा तो कैब करके घर चले जाऊँगा। चलो मैं तो घर पहुँच गया हूँ, अब कैब करनी पड़ी मेरे को घर तक आने के लिए। मिट्ठू कितना चिल्ला रहा है, वो फंसवाएगा मुझे, और हिम्मत नहीं हो रही घर में बताने की कि गाड़ी कहाँ है। चलो मैं तो नहीं बता रहा अभी कि गाड़ी कहाँ छोड़ी है, एक्सीडेंट हो गया कुछ भी है, अभी नहीं बताऊँगा, खुद ही वीडियो में ही देख लेंगे, इनफैक्ट वो भी व्लॉग में ही देखेंगे। क्योंकि जब तक मैं व्लॉग डालूंगा तब तक गाड़ी ठीक होके भी आ जाएगी। तो चलो तब तक के लिए निकलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चलो मिलते हैं यार फिर, ठीक है। मैं चुपचाप जाके, मैं तो सो रहा हूँ।